दोस्तों, करंट टाइम में हमारा भारत नीपा वायरस की चपेट में है। नीपा वायरस कितना डेंजरस है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे संक्रमित रोगियों में से 80% की मौत हो जाती है। इसके भयावह परिणाम की कल्पना कर पाना तब हमारे बस से भी बाहर हो जाता है जब हमें पता चलता है कि नीपा वायरस का इलाज ही नहीं है। केरल में इस वायरस से कई लोगों की मौत हो चुकी है और मेडिकल टीम के काफ़ी अलर्ट रहने के बाद भी केरल में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब इस वायरस के कुछ सैंपल झारखंड के धनबाद में पाया गया है। एक्सपर्ट टीम ने एनालिसिस के बाद संभावना जताया है कि नीपा वायरस झारखंड में हवाई सफ़र या रेल सफ़र करके आ रहे लोगों के साथ आया होगा। अगर ये यहीं पनपा है तो इसके परिणाम बड़े ही डरावना हो सकते हैं। फिलहाल झारखंड सरकार ने नीपा वायरस को लेकर पूरे झारखंड राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इससे निपटने के लिए झारखंड सरकार ने व्यापक प्रावधान किए हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, नींद न आना, दिमाग में सूजन, सुस्ती, बेचैनी नीपा वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे तो नीपा वायरस का कोई इलाज नहीं है, पर शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट से वायरस को फैलने से रोककर रोगी के जान को बचाया जा सकता है। दोस्तों, नीपा वायरस ज़्यादातर चमगादड़ों से फलों में और फलों से लोगों में फैल रहा है, इसलिए पेड़ में लगे कटे फटे फल या पेड़ से गिरे फल को ना खाएं। जिस कुएं के आसपास चमगादड़ दिखे या जिस कुएं में चमगादड़ मरा हुआ मिले उस कुएं का पानी ना पिएं। सुअर और घोड़ों से दूर रहें। नीपा वायरस लोगों से लोगों में भी फैलता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करें। इस तरह कुछ उपायों को अपनाकर आप नीपा वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अपने सगे संबंधियों को नीपा वायरस की चपेट में आने से बचा सकें।